सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अभी ग्रैंड मास्टर पे हूँ एंड मैं ग्रैंड मास्टर के लिए सोलो में रैंक पुशिंग कर रहा हूँ इस सीजन। बट अपडेट आता ही जब मैं यहाँ पे रैंक पुशिंग करने के लिए पहला मैच स्टार्ट करता हूँ, पहले मैच में मेरे सामने एक एनिमी होता है जो मेरे ऊपर रश करता है एंड मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ इस एनिमी को मारने के लिए, मेरे को तीन साइड से एनिमी फिनिश कर देते हैं। एंड भाई यहाँ पे हर एक एनिमी के साथ थर्ड पार्टी हो रहा था OB41 अपडेट के बाद, जिसकी वजह से यार मेरा पहला मैच ही माइनस लग जाता है। एंड आई नो कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है और ये एक मैच में नहीं बल्कि दो तीन मैच में लगा होता है। बट उसके बाद मैं यहाँ पर मैच में कमबैक करके भूये निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अलग से सोचा और उसे इम्प्लीमेंट किया। और इसीलिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको वही मैच की पूरी स्ट्रेटजी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आप भी ये स्ट्रेटजी सीख के अपने मैच में भूये निकाल पाओगे। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोग अभी मेरे को कमेंट में ना अपनी रैंक बता दो एक बार कि आपकी अभी रैंक क्या है। ओके, तो मैच स्टार्ट होते ही मैं आपको एक बार लॉबी दिखा देता हूँ। देख सकते हो लॉबी में कितने अच्छे प्लेयर्स आ रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप के पास जाके दिखाता हूँ कि एक एनिमी है जो बहुत अच्छा है। ये देखो मेरे जैसा टी शर्ट पहना हुआ है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। एंड यहाँ पे बाकी बंदे भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा अच्छा खेलेंगे। तो इसीलिए आपको एक बार लॉबी जरूर से चेकआउट कर लेना है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से मैच में गेम प्ले करना है। नाउ मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होने पे बात करते हैं लैंडिंग की। तो यार आपको एक ऐसे प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। लाइक अभी मैं कटोलिस्तिवा पे, मैं बार बार आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ एंड दिखा भी रहा हूँ कि मैं कटोलिस्तिवा पे ही उतरता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर कटोलिस्तिवा पे उतर भी जाता हूँ, क्योंकि मैं कटोलिस्तिवा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, कहाँ पे मेरे को कवर लेना है, कैसे खेलना है, वो सारी चीज़ें। बाकी एक बार मैं आपको बता दूँ मैप के बारे में, तो यार मैप का कलर जो चेंज हुआ है इसकी वजह से आपके गेम प्ले पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यार ये इफेक्ट ना एक दो दिन रहेगा, क्योंकि ये BGMI का मैप लगने लगा है। सो दैट्स व्हाई आपका थोड़ा सा गेम प्ले में इशू हो सकता है, क्योंकि हम मिनी मैप में ही देखते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जस्ट आपको गेम प्ले पे फोकस करना है। और ये चीज़ मैं तीन माइनस खाने के बाद सीखा था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी लैंडिंग करते टाइम मेरे साथ में एक एनिमी उतर रहा है एंड आपको एनिमी पे फोकस करना है कि वो किस जगह पे उतरा है। यहाँ पे मैं देख चुका हूँ कि भाई एनिमी गैरेज पे उतरा है। नाउ अभी मैं यहाँ पे गन उठाऊंगा एंड एक रिस्क लेके इस एनिमी को मारने जाऊंगा, क्योंकि अभी हार्ट है तो हार्ट की वजह से हम वापस से रिवाइव हो सकते हैं। बट ये एनिमी यहाँ पे गाड़ी लेके निकल रहा होता है एंड तभी मैं जैसे ही फायर देता हूँ एनिमी को 71 का हेडशॉट लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आगे की ओर बढ़ जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं लूट करने की वजह से बढ़ता हूँ कि मैं लूट करूंगा। बट भाई सामने की साइड में मेरे को फायरिंग का साउंड आता है और ऐसे में आपको थर्ड पार्टी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं एक मिस्टेक करने वाला हूँ, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एनिमी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और मैं वहाँ पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ पहुंचते ही मेरे को दिख चुका है कि भाई ये एनिमी काफी ज्यादा प्रो है, ठीक है, इससे मेरे को बच के खेलना था, जिसकी वजह से मैं इस एनिमी को बहुत तगड़ा वाला डैमेज देता हूँ एंड कवर में आ जाता हूँ। एंड ये जैसे ही ग्रेनेड कुक करने लगता है मेरे को पता चलता है मैं एनिमी के वॉल का कवर लेता हूँ एंड फिर भाई ये एनिमी को मैं बहुत तगड़ा डैमेज देता हूँ। बट ये एनिमी मेरे को यहाँ पे फिनिश कर देता है। और HP देखो भाई एनिमी की, इतनी कम HP कैसे हो सकती है भाई। बट यहाँ ऑटो रिवाइवल की वजह से मैं यहाँ पे बच जाता हूँ एंड आपको एक रिस्क जरूर से लेना चाहिए। अगर मैं उस एनिमी को मार देता तो मेरे को लूट मिल जाती यार अच्छी खासी। बट फिर भी अगर हम उसे नहीं मार पाए तो यहाँ पर हम ऑटो रिवाइवल से रिवाइव होकर लूट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई है कि मेरे को रश नहीं करना है, क्योंकि लॉबी में काफी ज्यादा अच्छे बंदे आए हैं एंड इस चीज से आपको ये चीज पता भी लग जाएगा, इस चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे खेलना है। एंड यहाँ पर देखो मैं अपनी बेसिक लूट कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहाँ पे वापस से आर्सेनल लूटने जाता हूँ तो इस बार चेक कर लेता हूँ भाई स्कोप इन करके। इससे मेरे को ये तो पता चल गया कि आर्सेनल पे तो कोई एनिमी नहीं बैठा है, बट यहाँ पर एक एनिमी गाड़ी लेके आता है, जिसकी वजह से मैं इस ग्लू के ऊपर चढ़ जाता हूँ एंड यहाँ पर खुद को बचा लेता हूँ। एंड फिर मेरे को जैसे ही पता लगता है कि एनिमी गाड़ी धीमे कर लिया है, इस वजह से मैं उस पर डैमेज करने की कोशिश करता हूँ एंड इस आर्सेनल के ऊपर चढ़ जाता हूँ। एंड फिर यहाँ पर जैसे ही फाइट होना शुरू हो जाती है मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करने लगता हूँ, जिसकी वजह से एक एनिमी को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। सो देखो कितना एडवांटेज मिला, मैं यहाँ पर स्कोप इन करके चेकआउट कर लिया एंड काफी ज्यादा अलर्ट हो गया। एंड यहाँ पर फिर मैं फाइनली वॉल तोड़ तोड़ कर इस एनिमी को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ एंड भाई यहाँ पर एक एनिमी का किल उठा लेता हूँ। अभी भी वहाँ पे एक एनिमी है बट यहाँ पर मैं अपने आप को हील करूंगा एंड जल्दी से आर्सेनल के अंदर घुस जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वेस्ट चाहिए थी जो कि मेरे पास लेवल 2 की ही थी। यहाँ पर मैं वेस्ट वगैरह ले लेता हूँ। सो देखो आपको ये चीज तो यहाँ पे सीखने को मिल गई कि आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। अभी देखो मेरे को लग रहा था कि वो एनिमी वॉल पे चला गया होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे FGL छोड़ के चेकआउट कर लेता हूँ कि भाई एनिमी है या
फिर नहीं, वहाँ पे तो एनिमी नहीं होता, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। एंड जैसे ही बाहर आता हूँ ना, तो भाई मेरे को गाड़ी का साउंड आता है एंड वो एनिमी गाड़ी लेके यहाँ से निकल लेता है एंड मैं उसे फायर देने की भी कोशिश करता हूँ। नाउ अब यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं है एंड मैंने सिचुएशन को कंट्रोल भी कर लिया है एंड मेरे पास गाड़ी भी है। एंड अब मैं यहाँ पर फाइनली जाके लूट लेता हूँ इस एनिमी से एंड यहाँ पर मेरे को ग्रोजा एक्स मिल जाती है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे व्हीकल अपडेट दे देता हूँ। देखो यार मीशा, आप लगाए हो या ना लगाए हो, आपको बिल्कुल भी बाइक यूज तो नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे मैं गाड़ी तोड़ के मैंने आपको दिखाया है, उसके बाद आपको कौन कौन सी गाड़ी का यूज करना है, क्योंकि यार बाइक पे भी अब बहुत तगड़े वाला डैमेज पड़ने लगा है। तो आपको जीप वगैरह यूज करनी है, ये वाली जीप, ठीक है, वो मिलिट्री वाली जीप नहीं, और आप मॉन्स्टर ट्रक यूज करना। बाकी यहाँ पर मैं इस घर पे थोड़ा सा सर्वाइव करने की कोशिश करता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे सर्वाइव करूंगा, बट मेरे को फुटस्टेप सुनाई देते हैं। यहाँ पे मैं खड़े होकर सुन ही रहा था एंड भाई यहाँ पे ऊपर की साइड में ही एनिमी होता है जो मेरे ऊपर फायर दे देती है, और इसीलिए मैं यहाँ पे सीधे गाड़ी उठाता हूँ एंड इस जगह से निकल ही जाता हूँ एंड मैं चला जाता हूँ एक सेफ प्लेस पे। और यार यहाँ पर आते ही ना मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक कवर में बैठ जाता हूँ एंड कवर में बैठने के बाद मेरे पास कॉइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं MP5 में पुशिंग कर रहा हूँ, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर मैं ना पॉकेट मार्केट से MP5 निकाल लेता हूँ एंड 500 कॉइन मेरे पास ऑलरेडी होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे चिप खरीद लेता हूँ, ये देखो, और फिर अपनी MP5 को लेवल 2 तक अपग्रेड करता हूँ। एंड फिर मेरे को यहाँ पे पता चलता है कि भाई आसपास एनिमी है जो कि आपस में फायर कर रहे होते हैं। मेरी मैप में आप भी देख सकते हो, नाउ अभी नेक्स्ट जोन काफी ज्यादा दूर बना होता है, तो यहाँ पे मैं एल शेप को मार कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद गाड़ी से यहाँ पे जोन कैप्चर करना शुरू करता हूँ। एंड तभी मैं यहाँ पे जा ही रहा था, मेरे को एक एनिमी दिखता है, अब इसे मैं गलती से यहाँ पे ठोक देता हूँ एंड ठोकने के बाद भाई इस एनिमी को थोड़ा सा डैमेज करता हूँ एंड फिर इसे क्लियर ही ले लेता हूँ। ये देखो सोने एक्टिवेट किया एंड इसका किल उठा लिया। अब यहाँ पर मैं ना उतरता ही नहीं, ठीक है, इस एनिमी को गलती से डैमेज दे दिया, इस वजह से उतर के मैंने इस एनिमी को मार दिया। आप बिल्कुल भी मत उतरना ऐसे ओपन एरिया में, ठीक है। देखो एलशेप को जब मैंने मार किया था, मेरे को पता था कि यहाँ पे एनिमी हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ फेक रश करके, और भाई एनिमी रियल रश आ जाता है और यहाँ पर मैं इस एनिमी को डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, बट ये एनिमी मेरे को काफी डैमेज करता है। बट मैं इसे यहाँ पर फाइनली थोड़ा सा डैमेज देके इस वाले कवर में भागता हूँ एंड मेरे को पता था कि ये एनिमी रश आ सकता है। एंड तभी दूसरा एनिमी रश आता है और इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, और भाई ये एनिमी बाहर की साइड में रश आता है, फिर से वॉल लगाता हूँ एंड ऊपर में भाग जाता हूँ। देखो यहाँ पे वॉल का कितना अच्छे से मैंने यूज किया, तो इस तरीके से आप लोग भी वॉल का यूज करना। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई गेम में पिंग बहुत ज्यादा है, तो इस चीज का थोड़ा सा मतलब समझ के चलना कि हाँ भाई वॉल वॉल नहीं लग सकती है, तो उस हिसाब से खेलना। यहाँ पर मैं ग्रेनेड कर देता हूँ एक, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शायद से कंफर्म कर लेता हूँ कि एनिमी है या फिर नहीं, उसके बाद यहाँ पर आके मैं वॉल लगा लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर अभी मैं सर्वाइव करूंगा। बट देखो अपडेट के बाद लॉबी कितनी हार्ड आ रही है, बंदा मेरे ऊपर मतलब मेरे घर के ऊपर पोर्टल लगा के मेरे ऊपर यहाँ पर रश आ जाता है। ये देखो जैसे ही कूदता है मैं इसे डैमेज करता हूँ एंड डैमेज मैंने पहले दिया था, इस वजह से इस एनिमी को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अभी इस एनिमी को फिनिश करने के बाद थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे लूटा इसीलिए कि मेरे ऊपर कोई एनिमी रश नहीं आ सकता था इसी वजह से। एंड आपको भी ऐसा ही करना है, अगर एनिमी वगैरह है तो बिल्कुल लूट मत करना। नाउ अभी जोन आ चुका है एंड अभी देखो यहाँ पे मेरे पे मॉन्स्टर ट्रक था, तो मॉन्स्टर ट्रक का यूज आप लोग जोन कैप्चर में मेरी जैसे सिचुएशन में जरूर से कर सकते हो। देखो कितने इजीली मैं यहाँ पे बचूंगा, मैं यहाँ पे जोन के बाहर था, डैमेज खाया, हील किया, हील करने के बाद मॉन्स्टर ट्रक पे सीधे बैठा और जोन में निकलना शुरू कर दिया। मेरे सामने एक एनिमी होता है, हील करते करते मैं जोन में घुसता हूँ, बट ये एनिमी यहाँ पे बच जाता है। और देखो मॉन्स्टर ट्रक से ना आपको ओपन वाले एनिमी मतलब जो ओपन एरिया में खड़े होते हैं या फिर वॉल लगा के कवर लिए रहते हैं उन पे मतलब आप चढ़ना, उनको मारने की कोशिश करना। और देखो लगातार तीन तरफ से फायरिंग आ रही है, यहाँ पर अभी भी 5 बंदे अलाइव हैं, तो यहाँ पर अकेले वाले बंदे के ऊपर मैं यहाँ पे रश करने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस एनिमी को मार दूंगा और इसीलिए मैं इस एनिमी के आसपास ही गाड़ी चला रहा होता हूँ, इसको उलझाता हूँ एंड मतलब इसके दिमाग में ये डालता हूँ कि मैं गाड़ी से ही तुझे मारने की कोशिश करूंगा। एंड फिर अचानक से इस एनिमी को इतना डैमेज कर देता हूँ कि ये एनिमी मेरे पे फायर तक नहीं दे पाता। और ये ट्रिक आप लोग जरूर से यूज करना अगर कहीं आपको मेरी तरह अकेले एक एनिमी दिख जाता है। और अभी 4 बंदे बच रहे होते हैं और मैं अब इस वाले एनिमी को टारगेट करता हूँ एंड अब यहाँ पर इस वाले एनिमी को ही मारने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैं अब इसके आसपास गाड़ी चलाने लगता हूँ। तो मॉन्स्टर ट्रक को आपको इस तरीके से यूज करना है। नो अभी यहाँ पर मैं इस एनिमी को डैमेज करता हूँ, बट पता नहीं क्यों इसे डैमेज नहीं पड़ता भाई, टक्कर तक नहीं लगती। उसके बाद ये मेरा गाड़ी उठा लेता है और मैं इसकी गाड़ी बैठता हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरे को यहाँ पर इस वाले कवर पे बैठना था एंड यहाँ पर मैं इस वाले कवर पे बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता था ना एक एनिमी जोन के बाहर है, उसे मैं मार सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं उस एनिमी को डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, बट ये मेरे को परेशान करे जा रहा था एंड मेरे को पता था ये वॉल हटाएगा जरूर। एंड इस तरीके से
मैंने यहाँ पे एक फ्री किल निकाली है। नौ अब आप सभी को भी पता है, मेरे को भी पता है कि अब मेरे को इस एनिमी का मॉन्स्टर ट्रक तोड़ना होगा। हालांकि मॉन्स्टर ट्रक मेरा है बट अब इस एनिमी का मॉन्स्टर ट्रक मेरे को तोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इजिली इस एनिमी का मॉन्स्टर ट्रक तोड़ा। नौ अब हम लोग ट्राई करेंगे कि बिना क्लोज रेंज में जाए इस एनिमी को डैमेज करें, जिसके लिए मैं यहाँ पे FGL का यूज करता हूँ एंड FGL से इस एनिमी को घंटा डैमेज नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड का यूज करता हूँ इस एनिमी को डैमेज करने के लिए, बट ये एनिमी यहाँ पे शांतिनो छोड़ देता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका शांतिनो तोड़ देता हूँ। नाउ अब ये एनिमी कुछ नहीं कर सकता सिर्फ क्लोज रेंज फाइट करने के अलावा। एंड यहाँ पर मेरे पास ग्रेनेड भी काफी ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके फेंकने लग जाता हूँ, जिससे इस एनिमी को 99 का डैमेज पड़ता है। अब इस एनिमी को 99 का डैमेज पड़ा है तो ये एनिमी जस्ट एक दो गोली का ही बच रहा होगा। इसे फिर से 44 का डैमेज पड़ चुका है, मेरे को लोकेशन पता है। और यहाँ पर एक परफेक्ट ग्रेनेड के साथ इस एनिमी को बिना क्लोज रेंज में गए फिनिश कर देता हूँ। एंड ये मैच हम लोग कर लेते हैं बुईया। और इस स्ट्रेटजी के साथ मैं यहाँ पर कमबैक करता हूँ एंड यहाँ पर इस मैच में मेरे को 25 का प्लस मिलता है। लेकिन यार आपका अभी भी माइनस लग सकता है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, जो आपके सामने आ रही है ऑल मैप सोलो रैंक पुश स्ट्रेटजी, आपको हर मैप की रैंक पुशिंग स्ट्रेटजी नहीं पता है एंड आपने वो वीडियो देखा नहीं है। यार फटाफट से उस वीडियो को देखो एंड उसके बाद आप लोग गेम में जाके रैंक पुशिंग करना एंड इससे आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस लगेगा, बिलीव मी।